जरूर करें सरसों के तेल के उपाय, सभी बाधाओं का होगा अंत। नमस्कार, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पीच। हिंदू धर्म में शनि देव की पूजा बेहद ही लाभकारी मानी गई है। ज्योतिष शास्त्र में भगवान शनि को न्याय का देवता माना गया है। ऐसी मान्यता है कि वह कर्मों के आधार पर फल देते हैं। शनि जयंती के दिन रवि पुत्र की पूजा का विधान है। जी हाँ, इस बार शनि जयंती वैशाख माह की 8 मई यानी कि बुधवार को मनाई जाएगी। ये साल में 2 बार मनाई जाती है। वहीं ज्योतिष शास्त्र में इस दिन को लेकर कई सारे उपाय भी बताए गए हैं, जिनका पालन करने से मन चाह वरदान प्राप्त होता है। तो आइए ऐसे में जानते हैं कि वो कौन से उपाय हैं जिनको करने से आप पर शनिदेव की कृपा हमेशा बनी रहेगी। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि जयंती के दिन पीपल के पेड़ के समक्ष 5 सरसों के तेल के दीपक जलाएं। इसके बाद उसकी 7 बार परिक्रमा करें। इस उपाय को करने से जीवन में अचानक आने वाली मुश्किलों का अंत होगा, साथ ही घर की वे विपदाएं भी दूर होंगी जिनका आप लंबे समय से सामना कर रहे हैं। इसी के साथ शनि जयंती पर पीपल के पेड़ के सामने या फिर किसी शनि मंदिर में भगवान शनि की विधि अनुसार पूजा करें। इसके बाद उन्हें सरसों का तेल अर्पित करें, फिर शनि चालीसा का पाठ 1 लय में भाव के साथ करें। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, साथ ही कुंडली में अशुभ ग्रहों का प्रभाव भी समाप्त होता है। वहीं शनि जयंती पर छाया का दान भी बेहद शुभ माना जाता है। जी हाँ, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले एक लोहे की कटोरी में सरसों का तेल और एक सिक्का डालकर रख दें। इसके बाद उस तेल में अपना चेहरा देखकर उस कटोरी समेत किसी गरीब या फिर शनि मंदिर में उसे दान कर दें। ऐसा करने से जीवन के सभी दुखों से छुटकारा मिलता है। यदि आपके जीवन में भी कष्ट चल रहे हैं और आप शनि महाराज की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो शनि जयंती के दिन आप हमारे द्वारा बताए गए कुछ उपाय जो हमने बताए वो कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और जानकारियों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। तब तक के लिए धन्यवाद।